मनी प्लांट को रखने के जान लें ये खास नियम, वरना जा सकती है घर से खुशहाली और पैसा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। घर में रखा है मनी प्लांट तो जान लीजिए कुछ जरूरी बात। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ पौधों को रखना काफी शुभ माना गया है। इसमें से मनी प्लांट का पौधा धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मनी प्लांट को घर में लगाना शुभ मानते हैं। दरअसल ये पौधा जिस घर में होता है वहाँ पर कभी भी आर्थिक सीमितों को सामना नहीं करना पड़ता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर में लगाने के कुछ खास नियम हैं, जिनको अनदेखा करना मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। घर के सभी सदस्यों को फायदे की जगह इसका नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में घर में मनी प्लांट लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में। देखिए, मनी प्लांट की बेल का ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मनी प्लांट के पौधे की बेल को हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमेशा पौधे पर ये ध्यान देते रहना चाहिए कि मनी प्लांट की बेल कहाँ जा रही है। अगर मनी प्लांट की बेल धरती को छू रही है तो इससे आर्थिक नुकसान यानी कि दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के पौधे में कभी भी पानी सूखना नहीं चाहिए। पानी सूखता है तो पौधे का भी सूखने का डर होगा, जो कि अशुभ माना जाता है। इसीलिए जब भी पानी सूखे या फिर पौधे के पत्ते पीले पड़ जाएं तो इस समय ही उसकी छटाई कर दें या फिर पौधे को बदल दें। वहीं मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा मनी प्लांट के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पौधे को कभी भी घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए